अभी इसने 500 रुपए एडवांस भी दे दिया। अब तो तुझे इसे अपने घर में रखना ही पड़ेगा। देख बेटा, तू समझता नहीं है। अगर अगर तूने इसे निकाल दिया ना, तो हम बदनाम हो जाएंगे। महेश देख, सिर्फ तू, हम लोग ही नहीं, वो भारतीय रेल भी बदनाम हो जाएगा बेटा। जिया जिया जिया, जिया जिया। तुम राज छोड़ना चाहते हो ना? अभी राज छोड़ दो, उसके पहले कि रोहन से तुम्हें निकाल दे। नहीं जिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और कौन कहता है तुम डब्बू हो? नहीं, तुम मेरी जिया हो। Out of this, okay? अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं रिया डाना बंद कर दूंगा। Enough of this nonsense. क्या बात है, आज पेपर के लिए छीना झपटी नहीं हो रही? अपूर्वा, क्या बात है, आज बड़े शांत बैठे हो, पेपर पर झपट्टा नहीं मार रहे हो। हाँ, आज शायद तुम्हारी वो लड़की, वो जो टेनिस खेलने वाली है, अरे क्या नाम, क्या है उसका, वो शोरपा शेरपा शारपोवा। हाँ हाँ, वही। अब ये विदेशी नाम याद थोड़े रहते हैं, अब ना याद रहे क्या फर्क पड़ता है। अपू, नाश्ता? नहीं नहीं, मन नहीं। गिराती हो किसी और, खुद गिर जाती हो। आई मीन रिडिकुलस, तुम्हें तो केज में बंद कर देना चाहिए। कॉलेज जाने का मन है या उसका भी मन नहीं है? कॉलेज अगर नहीं जाना चाहते हो तो मुझे ऑफिस जाने से पहले बता देना। बैठे बैठे बोर हो गए, घर में कुछ काम है वो कर लेना। क्या हुआ डब्बू? तुम भी ना, फाइन, आप लोग जैसा चाहें वैसा करें, योर चॉइस। जिया प्लीज, मुझे परेशान मत कर, मैं पहले ही बहुत परेशान। सर आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, आई एम वेरी सॉरी सर। जिया ये बात तुम पहले भी कह चुकी हो, ऑलवेज। काश तुम समझ पाती कि इस फिल्म में मेरे कितने करोड़ों रुपए लगे हैं। समझती हूँ सर, सब समझती हूँ। मैं चीजें जानबूझकर नहीं गिराती हूँ सर, वो चीजें ना गिर जाती है सर। अब मुझसे नाराज हो ना, अप्पू से तो नहीं ना, वो आपकी कल वाली बात से बहुत हर्ट है सर, इसीलिए आज राइड भी नहीं आया सर। सर उससे उसका डांस मत छीनिए, डांस उसकी जिंदगी है। अगर अगर राइड उससे छीन गया ना सर,
वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मैं जानता हूँ कि गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया उस दिन में, बट आई डिडंट मीन इट जिया। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो अपना डांस छोड़ दे। सर वो क्या है ना, अगर कोई उसे कुछ कह दे तो वो बहुत बुरा मान जाता है। मैं क्या करूं जिया, तुम मेरी टेंशन देख रही हो, पहले ये फिल्म, ऊपर से ये एडी। सर मैं एक आइडिया दूं? जिया प्लीज। सर अब मेरा यकीन कीजिए, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहूं अंकल ये सब क्या है, इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए ये सब? अरे तुम समझते नहीं हो, मेरे पास सारा सामान हमेशा मौजूद रहता है। अंकल इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, वो दो मिनट में सब कुछ ठीक कर ले। क्यों? अरे इलेक्ट्रिशियन क्या करे हैं? वो क्या हमसे ज्यादा जानता है, हमसे ज्यादा ताकत है उसके पास? अरे दो चार वायर इधर उधर घुमा देगा बस, और पैसे ले लेगा हमसे। हाँ लो पकड़ो उसको। अंकल नहीं, पकड़ो। आप प्लीज मत कुछ। अंकल प्लीज डोंट। पहले देखते हैं इसमें करंट है कि नहीं है। अरे डरो मत, अरे अरे डरो नहीं। लगाओ लगाओ, हाँ ये लाओ, लगाओ, देखो अभी करंट जाता है कि नहीं जाता, लगाओ। अरे डरो नहीं, हाँ लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ देखा नहीं है, अब हमें इसे खोलना पड़ेगा। हाँ चलो तुम खोलो, लो। साधना हाँ, तू यूँ चक्कर ही काटती रहेगी या कुछ खाना वाना भी बनाएगी बेटा? अरे कैसे खाना बनाऊँ, वो देखो ना अंदर दोनों लगे हुए, घुसने तो नहीं रहे मेरे किचन में। सब सिखा दूंगा, सब सिखा दूंगा। फिर सुनो, अब इतना शोर मच रहा है, कुकर की सीटी की आवाज नहीं सुनाई देगी। अरे खाना बाहर जाकर बनाओ, काम करने वालों को तंग मत करो। हाँ तुम करो, बोलो। क्या बीजी कैसे है ये, मैं क्या बताऊं? सिंड्रेला, हमारे इतना करीब थे और हम तुम्हें यहाँ वहाँ जाने कहाँ कहाँ ढूंढते रहे। मतलब द मिस्ट्री गर्ल, परफेक्ट डांसर, परफेक्ट पार्टनर, वाओ। Yes, Gia. You are my mystery girl. Come on, baby. Don't be sad. Cheer up. Cheer up, Gia. Rakh lena tum wo 25,000 rupaye. हमें नहीं चाहिए, अरे हम अपनी परफेक्ट पार्टनर से पैसे थोड़ी लेंगे। एंड योर वर्थ मिलियंस बेबी, मिलियंस। ये बात तो अपूर्वा भी जानता है, इसीलिए तो पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन हम पागल नहीं है जिया, लेकिन एक वादा जरूर कर दें, तुम एक दिन हमारे लिए जरूर पागल हो जाओगी जिया। ओह माय लिटिल प्रिंसेस, आई हैव टू गो नाउ। I love you.
Hindi films are going places. From Howrah to Hollywood, Nainital to New Jersey, and from Lalpur to London, हर जगह हिंदी फिल्मों की धूम मची हुई। आइए, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं कि जिसका कहना है कि बदलाव लाया नहीं जाता, बल्कि लाना पड़ता है। और ऐसी बदलाव की नई ताजगी है मिस्टर रोहन। First of all, thanks for coming. मेरी ये नई फिल्म एक डांस बेस्ड फिल्म है जिसके लीड पेयर की जिंदगी में डांस ही डांस है, उनके सोल में डांस है, उनकी सांसों में डांस बसा हुआ है। डांस ही उनकी जिंदगी का मकसद है। इट्स अ आउट एंड आउट डांस बेस्ड फिल्म। ये फिल्म बहुत ही जल्द शुरू भी होने वाली है। वैसे जिन फेसेस के ऊपर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, आप लोगों को आश्चर्य होगा ये सुन के कि वो फेसेस मैंने अभी तक फाइनलाइज ही नहीं किए, बट आई एम श्योर वो फेसेस यहीं कहीं आप लोगों में बैठे हैं और मुझे बहुत जल्द मिल जाएंगे और वही फेसेस एक दिन स्टार बन के चमकेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉन्ट टू थैंक रैड। जो हेल्प मुझे रैड से मिली है कहीं और से नहीं मिल सकती। रैड के बिना मेरी ये फिल्म, मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। तो थैंक्स टू रैड एंड ऑल द हेल्प दैट आई गॉट फ्रॉम हिम। मिस्टर रोहन, सुना है कि आप इस प्रोजेक्ट में इस कदर पागल हैं कि आपकी लाइफ में जो स्पेशल वुमन है उसने आपको अल्टीमेटम दे दिया है और आप बहुत डरे हुए हैं। आपको मैं डरा हुआ लग रहा हूं? Well, इस वक्त मेरी वाइफ, मेरी लाइफ, मेरी वो स्पेशल वुमन, सिर्फ और सिर्फ ये फिल्म। ये प्रोजेक्ट Thank you, everybody. देख रही है महेश को, उसे क्या क्या बना डालेगा। परेशानी में है ना बीजी, तभी तो सब कुछ सह रहा है। बाबा जी, जल्दी से बच्चे की परेशानी दूर कर दो। अरे इसकी सबसे बड़ी परेशानी तो वो महेश है। जब देखो किराए का ताने देता रहता है। बिल्कुल, वो किराने वालों की तरह हरकतें कर रहे हैं ना। अब बच्चे ने दो दिन क्या देर कर दी किराए देने में, उसको बिजली वाला बना दिया। वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, अच्छा लगता है क्या? बेटा, किसी की मजबूरी का ना ऐसा फायदा नहीं उठाना चाहिए। पर इसे कौन समझाए, ये तो सुधरने वाला है नहीं। मैं तो रब से कहती हूं कि उस बच्चे की किस्मत सुधार दे। उसे पता, तुझे मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि आज उसके चेहरे में खुशी जरूर रहेगी। हाय बीजी, आपके मुंह में घी शक्कर। देखा, जिस काम में मैं लग जाता हूं उसे पूरा करके ही छोड़ता हूं। अरे सीख जाओगे, मेरे साथ रहोगे ना अप्पू, सब सीख जाओगे। जी अंकल। हेलो। यस रोहन सर, ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल अभी पहुंच जाऊंगा। कितने टाइम में? So I'll be there in 20 minutes.
थैंक यू वेरी मच सर. यस सर. अब अंकल अब मुझे जाना है. देखो अधूरा काम ना मैं छोड़ता हूँ ना छोड़ने दूंगा. अंकल मुझे जाना है, प्लीज अंडरस्टैंड. अरे अभी काम तो पूरा करो. वो काम पूरा हो गया, अभी ये तो बाकी है. अंकल प्लीज अंडरस्टैंड, मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं वापस आकर काम खत्म कर लूंगा. प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज. मेरा बस चले तो मैं ये सब मोबाइल बंद करवा दूंगा. अंकल चलता हूं. अरे मैं फिर तुमसे कहता हूं, वही बात फिर दोहरा रहा हूं कि जिस काम को हाथ में लिया है उसे पूरा किए बगैर जाओ मत. ये सिर्फ शब्द नहीं है, मंत्र है. ये मंत्र जिंदगी की कामयाबी का मंत्र. गांठ बांध लो इसे. हाँ पकड़ो इसे. हाँ इधर आओ, उठाओ. हाँ चलो. Yeah, baby. Oh, Jia. Why don't you understand? तुम्हारे इन हाथों में magic है, magic. ये हाथ ये file उठाने के लिए नहीं बने हैं, Jia. You're fabulous, Jia. You should be a dancer. क्यों करती हो ये छोटा मोटा काम, हाँ? Come on, let's go and dance. देखो, देखो समर, मुझे डांस करना नहीं आता. मेरा यकीन करो. Jia, ये लड़कियों की तरह नखरे करके हमें गुस्सा मत दिलाओ. Look, Jia. We don't have time, okay? रोहन सर ने कहा है कि कपल ऑडिशन के लिए कल तक फॉर्म सबमिट करना है. हम दोनों कल जा रहे हैं, ठीक? तुम्हें क्या टाइम सूट करता है? बताओ. ऑडिशन? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ. प्लीज समर, ये मुझसे नहीं होगा. प्लीज. जिया, हमने कहा ना नखरे मत करो, बाद में करना. पहले फिल्म तो हो जाने दो, हाँ? उसके बाद नखरे ही नखरे करते रहना. ओके हम लोग कल जा रहे हैं. ओके यार ठीक है, यहीं मिलते हैं. ऑलराइट, सी यू. तुमने अपनी फिल्म की तारीफ की, अपने उन एक्टर्स एक्ट्रेसेस के बारे में बोला जिन्हें तुम अब तक जानते भी नहीं. जब अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के बारे में बात करने का वक्त आया तो बहुत प्यार से हंस के टाल. क्यों दुनिया के सामने अपनी वाइफ के बारे में कहते हुए शर्म आती? वेल किरण, ये इंटरव्यू मेरी फिल्म के लिए था. ये लोग उस रोहन को इंटरव्यू कर रहे थे जो इस फिल्म का डायरेक्टर है, जो इन लोगों को एंटरटेन करने वाला है. रोहन की लाइफ में एंटरटेनमेंट है या नहीं, दे आर नॉट बॉदर्ड. And वैसे principally, I don't like to talk about my personal life. और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी बीवी इतनी समझदार है कि वो समझती है कि मैं क्या बोलना चाहता था. What I meant. She respects my hard work. She respects my dreams. और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आज वो मुझसे गुस्सा है तो कल ठीक हो जाए. अपनी तरफ से कभी उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है तुमने? करना तो चाहता हूं किरण, गुजरे वक्त में जो गलतियां की हैं उन्हें सुधारना तो चाहता हूं, पर गलती तुम अभी भी कर रहे हो. अप्पू को अपना एडी बनाकर क्या जरूरत है? क्यों? डैड आई हैव डिसाइडेड किरण. मगर तुम अप्पू के लिए ऐसा कह रही हो? तुम तो हमेशा रैड के स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहती हो, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो रोहन, अप्पू एक अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन एडी तुम किसी और को भी ले सकते हो. किरण, I have decided. Now it's not possible, okay? रोहन, तुमने मेरी एडवाइस हमेशा मानी, आज तुम अप्पू के लिए मेरी बात नहीं मान रहे. ओके, नाउ यू डिसाइड, अप्पू या मैं. चाहते तो अप्पू को रख लो, मैं प्रोडक्शन छोड़ रही हूँ. तुम्हें अपूर्वा से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? हाँ है, प्रॉब्लम है. वो पहले ही बरखा को इतना हर्ट कर चुका है. मैं नहीं चाहती कि आगे जाके उसे और हर्ट करे. But that's wrong, दी. After all, अप्पू मेरे बचपन का दोस्त है. अगर अप्पू और मेरी लड़ाई हुई है तो पहली बार नहीं हुई, और अगर अप्पू मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है तो
वो भी पहली बार नहीं हुआ है, पर जो आपने किया है वो पहली बार जरूर हुआ है दी। आपको क्या जरूरत है मेरे और अप्पू के बीच में पड़ने की? मुझे अप्पू पे बहुत गुस्सा आ रहा था बरखा, आफ्टर ऑल उसने तुम्हें हर्ट किया है, मेरी बहन को, और तुम उसे फेवर कर रही हो। ग्रो अप बरखा, अगर अप्पू समझता है कि वो कभी भी आके तुम्हें कुछ भी कह देगा तो ही इज रॉन्ग। आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू। नहीं दी, आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रही हैं। आप रोहन सर पे प्रेशर डाल के अप्पू के करियर को नुकसान पहुंचा रही हैं, एंड दैट्स नॉट एथिकल। बरखा, तुम अभी बच्ची हो। नहीं दी, मैं बच्ची नहीं हूँ। क्या सही है क्या गलत मुझे समझ में आता है। I wish तुम कभी समझ पाती बरखा। पता नहीं तुम अपनी मिस्टेक से कब सीखोगी। Jokes apart, uncle, but you are a genius. अब हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। तुमने सही पहचाना। अब क्या है, सारी जिंदगी रेल को दे दी। इसीलिए अंकल, इसीलिए आई एम वेरी श्योर जोधपुर से जयपुर के बीच चलने वाली रॉयल ट्रेन है ना, उसका डिजाइन आपसे बेटर कौन सिलेक्ट कर सकता है अंकल। धन्यवाद बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी। पार्टनरशिप अंकल, पार्टनरशिप। आप डिजाइन बनाइए और हम कंपनीज को प्रपोजल देंगे, एंड टुगेदर वी विल रॉक, मेक लोड्स ऑफ मनी। वैसे एक बात है अंकल, जस्ट लाइक पैलेस ऑन व्हील ट्रेन, इस रेलवे क्वार्टर को भी आपने पैलेस ऑन अर्थ की तरह सजा रखा है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल कर्टन्स। तुम जिया हो राइट? हिमानी की फ्रेंड। तुम यहाँ? तुम यहाँ? देखिए ना अंकल, कितनी छोटी सी दुनिया है, कोई भी कहीं भी मिल जाता है। I needed a genius for this railway project, और हमें अंकल मिल गए। अरे बेटा, इतनी ज्यादा तारीफ ठीक नहीं। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हें अपना काम दिखाता हूँ। क्यों? अरे डब्बू, समर के लिए जरा चाय पानी का इंतजाम तो कर। और सुन, अच्छी वाली चाय की पत्ती डालना। स्वीट अंकल। सुना है अपूर्वा का बर्थडे आ रहा है। भाई वो तो हमें इनवाइट करेगा नहीं, लेकिन हमारे पास उसके लिए गिफ्ट है। हमारी तरफ से तुम ही उसे ये गिफ्ट दे देना। हाँ जिया, और अगर पसंद आए तो बता देना, तुम्हारे डियर पापा को भी ऐसा ही एक गिफ्ट दे देंगे। क्या सोच रही हो जिया, क्या है इसके अंदर? हाँ देख लो। देख लो जिया, शर्मा रही है हमारे सामने? शर्मा रही है? हम चले जाते हैं, उसके बाद अकेले में देख लेना, ओके? और पप्पा से कह देना हम बाद में आएंगे।
ये देखो बेटा, के लिए क्या गिफ्ट लेके आई है? मैं तो कुछ नहीं लाई, अप्पू को जो पसंद होगा वो मैं ले आऊंगी। तुम देखो ना यार, जिया क्या करना है, चेक देखो ना, चल रहा है, जिया आ तो रहा है, तुम देख नहीं रहे। ये नाइस पिक्चर।